तो हेलो गाइस, देख सकते हैं आज हम आए थे ये मोटर लगाने। यहाँ पे पहले एक टुल्लू पंप लगा था जो कि ख़राब हो गया, उसको हमने हटा दिया और उसके आगे यहाँ से सीधी ये लाइन जोड़ के एल लगा के और ये हमने लाइन अलग से निकाल ली है 1 इंची की पूरी। और ये सरकारी नल का पॉइंट आ रहा था तो इसमें से ही हमको देनी थी लाइन। ये पहले तो दिन हुआ है और ये हमारी देख सकते हैं जलगुरु कंपनी की कॉपर वाइंडिंग वाली मोटर है, ओपन वेल 1 HP की। तो पहले हम इसको इसका एक देख सकते हैं, ये हमारा स्टार्टर भी आता है, ये हमारा स्टार्टर हो गया। तो अब मोटर को ओपन कर लेते हैं। तो देख सकते हैं अब हम मोटर के अंदर पानी भरेंगे, मोटर के अंदर साफ पानी भरेंगे एकदम। तो अभी हमारा पूरा पानी भरा नहीं है तो हम दूसरी बार पानी मंगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे घर में टंकी में पानी नहीं था इसलिए हम RO का पानी भर रहे हैं। और अब हम देख सकते हैं इस तरीके से कनेक्शन करेंगे, बीच में NRV आएगी, इसके नीचे एक GI निप्पल आएगी, उसके ऊपर एक MT आएगा CPVC 1 इंची का। तो पहले हम निप्पल के ऊपर पर अच्छी सी टेफ्लॉन टेप लगा लेंगे जिससे कि पानी लीकेज ना हो और कोई लीकेज के चांस ना हो। तो धूप बहुत ज़्यादा थी तो देख सकते हैं हमने निप्पल में टेफ्लॉन टेप लोडिया से लगा ली है। अब हम इसको NRV में कस लेंगे। अब हम फिर निप्पल के दूसरे एंड पे टेफ्लॉन टेप लगा लेंगे। हमारा पानी आ चुका है तो यह हमारा पानी देख सकते हैं भर रहे हैं हम। तो मोटर के अंदर पानी ज़रूर भरे, अगर पानी नहीं डालेंगे तो मोटर सूखी चलेगी और सूखी चलने से मोटर के अंदर वायरिंग भी मिस्टेक हो सकती है और मोटर भी जल सकती है। तो पानी ज़रूर भरे और पूरा भरे। तो देख सकते हैं हमारे अब हमने पूरा NRV लगा के निप्पल लगा के पूरा सेट कर लिया है MT। अब हम इसको बड़े से टाइट कर देंगे। एक मोटर के अंदर हमारा 1.5 बोतल पानी चला गया है पूरा। तो देख सकते हैं हमारे पूरी फुल भर चुकी है मोटर। और हम MT को टाइट कर लेते हैं बढ़िया से NRV को। अब इसके ऊपर के हुक लगा लेंगे और आगे की जो नट आती है सील वाला जहाँ से पानी बाहर ना निकले उसको भी हम टाइट कर लेंगे। अब टाइट करने के बाद अब हम देख सकते हैं 1 इंची का पाइप CPVC उसमें सोलवेंट लगा के MT में लगा लेंगे जिससे कि ये सूख जाए। अब सूख चुका है सोलवेंट। अब हम इसमें देख सकते हैं रस्सी बांध देंगे, कभी बाय चांस अगर मोटर मिस्टेक कर जाती है तो इस रस्सी से मोटर आसानी से निकल जाएगी। दोनों तरफ से बांधे बढ़ते, वरना एक तरफ से मोटर को रस्सी से बांधेंगे तो मोटर झूल जाएगी, एक तरफ गिर जाएगी, टेढ़ी हो जाएगी। तभी बढ़िया सा दोनों तरफ से रस्सी बांध ली है हमने। अब हम इसको टैंक के अंदर उतारेंगे। तो देख सकते हैं अब हम इसको टैंक के अंदर उतारेंगे मोटर को। ये हमारी मोटर अंदर जा रही है। अब हमने इसको टैंक के अंदर डाल दिया है। अब हम इसका टुकड़ा काट लेंगे नपती के हिसाब से। यहाँ पे हमारी यूनियन लगेगी। यूनियन का काम यह रहेगा कि कभी मोटर ख़राब हो जाती है तो यूनियन को खोल के इस और मोटर को बाहर निकाल सकेंगे हम।
अब हम यूनियन का दूसरा टुकड़ा भी लगा लेंगे उसमें सोलेंट लगा के। अब पहले हम नीचे वाला जो एल्बो था उसको निकाल लेंगे क्योंकि वो हमारा कच्चा था एक बार नफ्ती लेने के लिए। अब उसको भी हम टाइट पक्का कर देंगे सॉल्वेंट लगा के बढ़िया सा। तो देख सकते हैं अब हम इसको पक्का कर लेते हैं। तो अब हम देख सकते हैं यूनियन को टाइट कर लेंगे पूरा। तो यूनियन देख सकते हैं चक्रा घूम रहा है, ये टाइट हो रही है। अब देख सकते हैं हमारा मोटर पक्का हो चुका लग चुका है। अब हम आपको बताएंगे ये मोटर देख सकते हैं पानी ऊपर चढ़ना चालू हो गया है। दोनों टंकी के अंदर पानी गिरना चालू हो गया।